राहुल गांधी फिर पीएम रेस में शामिल हो गए हैं। जब लग रहा था शायद उनका मोदी से सीधा मुकाबला करने का सपना पूरा नहीं होने जा रहा, तब सुप्रीम कोर्ट ने सामने से आकर उन्हें राहत दे दी। राहत मिलते ही राहुल गांधी ने भी अपने तेवर दिखा दिए। अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ बोले नहीं, सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि कह सकते हैं कि बीजेपी खेमे में गदर मचा दी। राहुल हमला पहले भी करते थे, पहले भी मोदी पर उनका निशाना रहता था, लेकिन अब कुछ बदल गया है। ये बदला हुआ अंदाज ही 2024 की लड़ाई को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु माहेश्वरी और शुद्ध देसी राजनीति के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले एक प्रिडिक्शन कर देते हैं। ये प्रिडिक्शन काफी प्रिडिक्टेबल है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का चेहरा होने जा रहे हैं। कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से मार्केटिंग की जा रही है, ये साफ है कि एक बार फिर 2024 में मुकाबला मोदी बनाम राहुल गांधी का होने जा रहा है। अब बीजेपी की ट्रोल आर्मी ये जरूर कह सकती है कि हम तो पहले से चाहते हैं कि मुकाबला मोदी का राहुल गांधी से हो। उनका अपना लॉजिक है। 2014 और 2019 में बीजेपी को जो बंपर जीत मिली, उसमें राहुल गांधी का भी अपना योगदान रहा। लेकिन अब खेल बदल गया है। ये 14 या 19 वाले राहुल गांधी नहीं है, ये तो राहुल गांधी 2.0 है। लेटेस्ट से ही शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान काफी कुछ बोला, लेकिन हमारी नजर कुछ शब्दों पर पड़ी। ये शब्द बताने के लिए काफी रहे कि इस बार राहुल बीजेपी को हराना ही नहीं चाहते, बल्कि उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की पिच पर, उन्हीं के रणनीति के तहत उन्होंने बीजेपी को हराने की तैयारी की है। उन्होंने देशभक्ति और राष्ट्रवाद वाले एंगल पर तगड़ा खेला है, कुछ इस तरह से। ये धरती मेरी माँ है सर। कुछ कॉमन पकड़ में आया? जरा फिर सोचिए, देशद्रोही, देश प्रेमी, भारत माता। आपको नहीं लगता इन सभी शब्दों का सेंस एक चीज से है? पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म। मतलब जो बीजेपी 2014 और फिर 2019 में ये बोलते नहीं थकी कि कांग्रेस देशद्रोही है, राहुल गांधी को देश से प्यार नहीं, अब वही घुट्टी थोड़ा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोज के साथ राहुल गांधी ने देने का काम कर दिया है। आप खुद बताइए, अगर कोई आपको सामने से आकर बोल दे कि आप सबसे बड़े देशद्रोही हैं, आपको देश से प्यार नहीं, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? तो मैं दूंगा। क्या बोला, क्या करेगा तू? मैं इसको दूंगा। अब आप ऐसे रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस नहीं, नेता लोग तो जुबानी जंग करते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क देखा। अभी तक हम अपोजिशन से ये शिकायत रखते थे कि उसके सारे हमले सिर्फ मोदी पर होते हैं, मुद्दा कोई भी हो सिर्फ मोदी पर पर्सनल अटैक, यानी कि सब कुछ मोदी सेंट्रिक हो जाता था। लेकिन इस बार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल की स्पीच के बाद जिस तरह से स्मृति ईरानी और फिर दूसरे बीजेपी नेताओं ने रिएक्ट किया, ये कहना गलत नहीं होगा कि सब कुछ राहुल सेंट्रिक हो गया। बात मणिपुर पर करनी थी, लेकिन ज्यादा टाइम राहुल और उनके बयानों पर प्रतिक्रिया देने पर स्पेंड किया गया। इसे ही कहते हैं हवा का बदलना। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला। अब देखिए, बीजेपी का मौसम सिर्फ इस एक रीजन से नहीं बिगड़ने वाला है। राहुल गांधी में एक और बहुत बड़ा बदलाव आया है। ये बदलाव भी बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी सिर्फ 3 मुद्दों पर बात करते थे। कह सकते हैं कॉपी पेस्ट वाली स्पीच रहती थी। चौकीदार चोर है, ये सूट बूट वाली सरकार है, मोदी जी ने सारा पैसा अपने उद्योगपति मित्रों को दे दिया। मतलब कुछ तो कंटेंट अलग रहता, देश की जनता भी बोर हो गई थी, कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा था। लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल के लिए वो कनेक्शन सेट कर दिया है। पुराने वाले राहुल गांधी को देश की समस्याओं के बारे में ठीक तरह से नहीं पता था। इसका फायदा बीजेपी खूब लेती थी, कह सकते हैं मौज लेती थी। लेकिन अब हजारों किलोमीटर की एक यात्रा ने राहुल को देश की समस्याओं के बारे में काफी कुछ बता दिया है। चुनाव जीतना बाद की बात है, लेकिन अब देश के कई मुद्दों पर राहुल काफी बेबाकी से बोलते हैं। वो किसानों के साथ दिख जाते हैं, वो सब्जी मंडी में दुकानदारों से बात करते हैं,
वो कॉलेज के छात्रों के साथ मंथन भी करते हैं। ये बदले हुए राहुल गांधी हैं, दिल पर पत्थर रखकर बीजेपी वालों को भी मानना ही पड़ेगा। वैसे राहुल गांधी में इस समय एक बदलाव और दिख रहा है और उसका क्रेडिट पीएम मोदी को ही देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जनता से सीधा कनेक्ट। कई मौकों पर तो वे इमोशनल कार्ड भी खेल जाते हैं। इस मामले में तो दोनों अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने पीएम मोदी से प्रॉपर क्लासेस ली हैं। तभी तो गुजरात चुनाव के वक्त केजरीवाल कहते नहीं थके कि सारे मिलकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और कश्मीर में दादी इंदिरा और पिता राजीव को याद कर राहुल भावुक हो जाते हैं। अब इस समय ये तमाम क्वालिटीज राहुल गांधी को इंडिया का सबसे बड़ा नेता बनाती है, लेकिन उनके अंदर दिख रहे इन तमाम बदलावों पर उनकी एक कमी भारी है, राहुल गांधी का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। कब क्या कर जाएं, क्या बोल जाएं, उनकी पार्टी भी नहीं बता सकती। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। मतलब सदन में आपको क्यों फ्लाइंग किस देना है, कोई भी कारण क्यों ना हो, लेकिन सदन में ये क्यों करना। इसी तरह 2018 में इतना तगड़ा भाषण दिया लेकिन बाद में मोदी को गले क्यों लगाया, क्यों आंख मारी। ये वो ब्लंडर हैं जो चुनाव में कांग्रेस को सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। अब फिर वो हरकत हो गई है, सब कुछ सही जा रहा था लेकिन इस एक गलती ने फिर सब बदल दिया है। अब बीजेपी इस फ्लाइंग किस को जिस तरह से भुनाने वाली है, उसी को शुद्ध देसी राजनीति कहते हैं। नमस्कार।